साथियों नमस्कार। जैसे ही हम एनपीएस अकाउंट में विथड्रॉल का प्रोसेस आगे करते हैं तो हमारे समक्ष एक नया समस्या आती है, फैट का सीआरएस प्रॉब्लम। तो इस समस्या को कैसे सॉल्व करना है उसको आज की वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही हम टीयर वन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं उसके बाद एक रेड कलर का नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा है एज पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फैट का कंप्लेंस इज मैंडेटरी फॉर सब्सक्राइबर्स ज्वाइंड एनपीएस ऑन और आफ्टर July 1, 2014 टू इमीडिएट विथड्रॉल रिक्वेस्ट काइंडली फर्स्ट सबमिट ऑनलाइन फैट का सीआरएस डिक्लेरेशन। तो हमें एक डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना होगा। तो चलो दोस्तों, मैं पुनः डेमोग्राफिक चेंजेस में जाकर आपको बता रहा हूँ। ये देखिए आ गया डेमोग्राफिक चेंजेस। यहाँ जाने के बाद देखिए थर्ड ऑप्शन है फैट का। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष एक नई जानकारी ओपन होगी। ये देखिए यहाँ पर कंट्री ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ सिटीजन और कंट्री ऑफ रेसिडेंट, ये तीनों जानकारियाँ आपके में निरंक रहेगा। और नीचे में यूएस पर्सन, तो यूएस पर्सन वाले यस फिल करेंगे और हम सभी तो इंडियन हैं तो नो ही फिल करेंगे। तो ये सभी जानकारियाँ फिल करने के बाद दोस्तों आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ से सबमिट कर देता हूँ। ये देखिए सबमिट हो गया दोस्तों। अब नीचे में जाएंगे, नीचे की ओर जाने पर हमें वह ये देखिए आ गया डिक्लेरेशन फॉर्म। तो दोस्तों इस डिक्लेरेशन में सबसे पहले ये देखिए नीचे में लिखा है प्लीज़ टिक डिक्लेरेशन बाई सब्सक्राइबर्स। तो इस चेकबॉक्स को हमें ऑन करना है। जैसे ही ऑन करेंगे तो नीचे में कंफर्म का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ये देखिए, तो दोस्तों इसको आप पहले तो स्टडी कर लेंगे। आप थ्री डॉट में जाकर, राइट साइड में थ्री डॉट है उसमें जाकर इसे ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, उसके बाद पढ़ लेंगे। तो मैं यहाँ से कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद हमारे पास ओटीपी आएगा। तो जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है दोस्तों उसमें ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को फिल करके यहाँ से सबमिट ओटीपी कर देंगे। मैं यहाँ सबसे पहले ओटीपी फिल कर देता हूँ। ओटीपी फिल करने के बाद दोस्तों हम सबमिट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो ये रहा सबमिट ओटीपी का ऑप्शन, मैंने क्लिक कर दिया। अब दोस्तों हमारे पास ये देखिए आ गया फैट का सीपीएस सर्टिफिकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। ये हमारा एक्नॉलेजमेंट आईडी है और नीचे में है एक्नॉलेजमेंट डेट, जिस डेट को हमने यह डिक्लेरेशन फिल किया। ओके कर देंगे दोस्तों। ओके करने के बाद अब मैं आपको विथड्रॉल का प्रोसेस अब कैसे पूर्ण करना है उसको बता रहा हूँ। अब देखेंगे विथड्रॉल का जो प्रोसेस है वह आगे की ओर रन करेगा। तो सबसे पहले ट्रांजैक्ट ऑनलाइन में जाएंगे, फिर विथड्रॉल में, फिर टीयर वन में। यहाँ जाने के बाद ये देखिए दोस्तों, यहीं पर आकर हम रुक जाते थे। तो यहाँ से अब जैसे सबमिट करेंगे तो हमारे पास देखिए अब विथड्रॉल का प्रोसेस काम कर रहा है। तो दोस्तों अगर फैट का प्रॉब्लम आपको भी फेस करना पड़ रहा है तो आप उसको जल्द ही इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप एनपीएस से राशि आहरण करना चाहते हैं दोस्तों तो उसका वीडियो मैं इंड स्क्रीन में छोड़ दिया हूँ, आप उसकी सहायता ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।